दोस्तों आज आपको अमामोरा गांव का एक और वाटरफॉल दिखाने वाले हैं जो कि घने जंगलों के बीच में है। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित और बहुत कम लोग इस वाटरफॉल को जानते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, अभी हम पहुंचे हुए हैं अमामोरा के क्षेत्र गांव में और यहां के वाटरफॉल को दिखाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव देख सकते हैं जिस प्रकार से। इस साइड से जाना होगा और वाटरफॉल इस साइड बताया गया है गांव की तरफ से, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। छोटा छोटा वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा है अमामोरा गांव में और आवाज भी इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा तेज आ रहा है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे वाटरफॉल का काफ़ी खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं है। इसके ऊपर बने रहिए आप और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव आ रहा है इस साइड से, देखते हैं कैसा है यहाँ पे। और काफ़ी घना जंगल है अमामोरा का, यह घना जंगल लगता है हम पहुँचने वाले हैं वाटरफॉल के साइड और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से वाटरफॉल चालू है और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रहा है यहाँ पे अमामोरा में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के करीब। अगर आप इस जगह पर आना चाहते हैं तो अमामोरा से तकरीबन ये 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा छोटा वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है और इस वाटरफॉल को नंगराहा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है और ये घने जंगलों के बीच में, इस कारण से बहुत कम लोग इस वाटरफॉल को जानते हैं। और ये अमामोरा गाँव किस प्रकार से आएंगे ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके आसानी से गांव तक के पहुँच सकते हैं। गांव का ब्लॉग भी बनाए हुए हैं आप कारी पगार वाटरफॉल का, भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आसानी से वीडियो को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं घने जंगलों के बीच एक वाटरफॉल है, क्योंकि बहुत छोटा वाटरफॉल है इस कारण से बहुत कम लोग इस जगह को जानते हैं। लेकिन अमामोरा गांव में आपको बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल इसी प्रकार से देखने को मिलते रहेंगे और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा बारिश हुआ इस कारण से यहाँ पे वाटरफॉल का खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर बने रहिए, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पे वाटरफॉल चालू है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उबड़ खाबड़ रास्तों को तय करते हुए हम वाटरफॉल के साइड जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बारिश हुआ इस कारण से थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पत्थर पूरा फिसलन भरा हो चुका है और यहाँ पर तो अभी कोई नहीं है फिलहाल तो, लेकिन हम ही लोग मेरे दोस्त के साथ यहाँ पे आए हुए हैं वाटरफॉल का खूबसूरत दृश्य दिखाने के लिए आपको। और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे ऊपर का साइड और वाटरफॉल है और ये फिलहाल तो ये नीचे का साइड हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी गजब का नज़ारा लगेगा, छोटा सा वाटरफॉल है और ये अमामोरा गाँव से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह वाटरफॉल, जो बहुत कम लोग इस वाटरफॉल को जानते हैं और ज़्यादा खास कर कारी पगार वाटरफॉल को जानते हैं, क्योंकि वो 200 फीट के आसपास से नीचे पानी जो गिरता है खाई पे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है वो भी वाटरफॉल। वहाँ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से वीडियो को वॉच कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं इस साइड से पानी आता है और इधर नीचे के साइड वाटरफॉल का रुख ले लेता है, जो कि काफ़ी अच्छा बारिश हुआ इस कारण से यहाँ पे वाटरफॉल का नज़ारा आपको इसी प्रकार से देखने को मिलता रहेगा। फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं है, हम लोग दो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो पर आपको दिखाने वाले हैं एक और वाटरफॉल जो कि अमामोरा का ही है। अमामोरा में तकरीबन आपको 4 से 5 वाटरफॉल से ज़्यादा भी है, लेकिन फिलहाल 4-5 वाटरफॉल अभी फिलहाल दिखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों इस प्रकार से घने जंगलों के बीच में यह वाटरफॉल है और ज़्यादा खास करके इस वाटरफॉल को लोग नंगराहा वाटरफॉल के नाम से बोला जाता है, शायद ये वही वाटरफॉल है या नहीं है ये पता नहीं है, क्योंकि हम लोग दो लोग हैं इस कारण से, गांव के लोग अभी इस जगह पर तो नहीं है, इस कारण से आपको ये वाटरफॉल आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा वाटरफॉल इस प्रकार से भी यहाँ पे देखने को मिलता है और ये घने जंगलों के बीच में, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित और अच्छा खासा पानी इस जगह पर चलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।